दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। आपके लिए खुशखबरी यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पंचायती राज विभाग के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, यहाँ पे आपने देखो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत यहाँ पर जो है ये दो तरह की वैकेंसी है। नंबर एक यहाँ पे अकाउंटेंट कम डाटा के आप एंट्री ऑपरेटर, और दूसरी पंचायत सहायक। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो पंचायत सहायक की हैं और अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो यहाँ पर जो कुल मिलाकर पदों की संख्या 4821 है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो साइट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, जिसके बारे में जानकारी मैं आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर जो तो इसके फॉर्म वगैरह कैसे डाउनलोड करना, कैसे क्या भरना, सारी जानकारी यहाँ पर इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर जो 30 जून 2024 की लास्ट डेट यहाँ पर बताई गई है। अगर बिलीव नहीं तो यहाँ पर देख लीजिए अंतिम तिथि की बात करेंगे। यहाँ पर 30 जून 2024 यहाँ पर जो है इसकी अंतिम तिथि की यहाँ पर जो बात करेंगे क्वालिफिकेशन के अंतर्गत। यहाँ पर जो 12th पास अगर आपने कर रखा है तो पंचायत सहायक के पदों पर जो है ये भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। और यहाँ पर जो है 30 जून 2024 को है ना, फिलहाल इसका जो है संक्षिप्त जो है विज्ञापन इसमें आ चुका है। आपको कब कब जो है भर्ती प्रक्रिया होगी, मेरिट बेस पर होगी, पूरा ब्यौरा यहाँ पर दे दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ निर्धारित समय पर जो है ये पूरा ब्यौरा देख लीजिए। और यहाँ पर जो है आवेदन की प्रक्रिया कैसे रहेगी, मतलब क्या फॉर्म आपको मैं आपको दिखाऊंगा, वाला फॉर्म आपको भरना है। और जो है रजिस्टर डाक के द्वारा यहाँ पर जो है ये पंचायती क्या है, मतलब कि आपकी जो ग्राम पंचायत होगी गांव के अंतर्गत, यहाँ पर जो है ये तो अपनी ग्राम पंचायत विकास खंड कार्यालय को यहाँ पर जो है भेज दीजिएगा। और यहाँ पर इस तरीके साइन करके आप भेज दीजिए। इसमें जो है ये फॉर्म आपको ये देख लीजिए, ये फॉर्म आपको मिलेगा यहाँ पंचायत सहायक के, और इसमें अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु यहाँ पर जो है ये आपको जो विकास खंड का नाम लिखना है, और आवेदित जनपद का नाम लिखना है, पंचायत का नाम लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से वाला फॉर्म भर देना है। यहाँ पर जो है ये पूरा फॉर्म आपको जो इस तरीके से आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, भरने के बाद ये आपको जो है ये भेज देना आपको जो है ये पंचायत खंड विकास के लिए। और देख लीजिए यहाँ पर जो है आवेदनकर्ता के यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे यहाँ पर जो है, और इसके बाद घोषणा पत्र यहाँ पर कर दिया गया है, ये साइन करके आपको यहाँ पर भेज देना। यहाँ पर जो है यहाँ पर भी देख लीजिए लिखा हुआ है, इसमें जो है आपको जो रजिस्टर डाक के द्वारा इसमें जो है ग्राम पंचायत विकास खंड कार्यालय में भेज देना, अथवा जो जिला पंचायत जो है राज्य अधिकारी कार्यालय में आपको भेज देना। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से आपको जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है ये जिसके बारे में जानकारी अखबार में दे रखी, 2 दिन पहले का अखबार में देख लीजिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो है ये विज्ञापन में 4881 पदों और वैकेंसी होगी। 15 जून से लेकर 30 जून तक इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं आप लोग जो है ये। मैंने आपसे बोला यहाँ पे उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत टूंडला का नाम आपने सुना ही होगा, टूंडला के अंतर्गत वैकेंसी यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर जो है यहाँ पर देख लीजिए, टूंडला फिरोजाबाद के अंतर्गत जो है ये रेलवे के जो उत्तर मध्य रेलवे के जो कॉलेज हैं यहाँ पर जो कॉलेज की नाम बताया गया, इसमें जो है ये उत्तर मध्य रेलवे के कॉलेज में जो है ये वैकेंसी इसमें आ चुकी है। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर सैलरी की बात करें सब कुछ यहाँ पे ब्यूरो दिया हुआ है। ठीक है, PGDE यहाँ रसायन विज्ञान भूगोल अंग्रेजी हिंदी, और यहाँ सैलरी 27,500 रुपये सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। और यहाँ पे TGDE के लिए 26,250 रुपये सैलरी है, कोई शुल्क नहीं है, केवल निःशुल्क फॉर्म इसके अंदर ये भरा जाएगा। निःशुल्क फॉर्म मैं आपको दिखाऊंगा, पहले क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो ये PGDE के लिए केवल MA BEd होना चाहिए बस, और TGDE के लिए जो है BEd होने चाहिए इसके साथ में जो है BSc BEd। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये फॉर्म जो है आपका 22 जुलाई 2024 तक भर सकते हैं। और रजिस्टर डाक के द्वारा जो है इस पदे पर आप भेज दीजिएगा यहाँ पर जो ये, और इंटरव्यू आपका जो है अगस्त में कराया जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर जो ये पूरा ब्यौरा दे दिया, अभी छुट्टी चल रही है, ये वाला फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ये देख लीजिए वाला फॉर्म आपको जो भर देना है, और भरने के बाद इसमें जो आपको भेज देना है इस वाले एड्रेस पर। मैंने आपको बताया था कि भाई देखो जो भी इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ बिल्कुल सटीक दिखाता हूँ, पर आप वीडियो को लाइक नहीं करते, यहाँ पर मेहनत से वीडियो बनाता हूँ मैं ये। और देख लीजिए यहाँ पर भी जो है इस तरीके से वीडियो जो है ये बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर जो प्रधानाचार्य इस वाले एड्रेस पर आपको भेज देना। यहाँ पर जो है ये वो देख लीजिए, यहाँ 22 जुलाई 2024 की यहाँ पर लास्ट डेट जो है बताई गई आपके लिए। इसमें खुशखबरी आ चुकी है, यहाँ पर भी देख लीजिए, इसमें जो है ये NDA की सरकार बनते हैं, यहाँ पर 10 लाख नौकरी यहाँ पर घोषणा कर दी है। यहाँ पर भी देख लीजिए, NDA सरकार बनते हैं यहाँ पर जो 10 लाख नौकरी घोषणा हो गई, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो है बिहार में आई बाहर नौकरी आप सभी जानते हैं 2 लाख पदों पर वैकेंसी इसमें भर चुके हैं, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो विभाग देगी 15,610 पदों पर यहाँ वैकेंसी। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है इसमें 10 लाख पदों पर वैकेंसी यहाँ पर जो है ये इसमें यहाँ पर घोषणा हो चुकी है NDA सरकार की तरफ से। जो है मानसून को लेकर यहाँ पर बताया गया, इसमें मानसून में जो NDA सरकार इसमें है रोजगार की जो जमाझम बारिश होगी, आप सभी जानते हैं NDA सरकार बनते ही जो है अब जो है चौराई मॉल खत्म हो चुका है, अब जो है जो वादे किए उसको पूरा किया जाएगा, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो है वैकेंसी इसमें चल रही है। और 10 लाख पदों पर वैकेंसी के लिए बोला गया, जिसके अंतर्गत यहाँ पर बिहार हरियाणा में 96,000 पद जो है चुनावी झटके के बाद राज्य में खटखटाहट खुली नौकरियाँ, तो यहाँ पर जो नौकरी है भर रहे हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए, इसमें जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 2 लाख पदों पर जो है खाली पद भरने के यहाँ पर निर्देश जो है
दे दिए गए लोकसभा के अंतर्गत। यहाँ पर वहीं पर जो लड़के उत्तर प्रदेश जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से यहाँ पर गए थे, उन्होंने बोला कि अब तक जो है टीचर की भर्ती जो है 2 साल हो गए अटकी पड़ी, अब तक एग्जाम कब कराया जाएगा, और साथ में इंटर कॉलेज के अंतर्गत जो क्लर्क भर्ती आई थी एडेड कॉलेज के अंतर्गत वो भर्ती कब होगी। आज लड़के यहाँ पर जो गए थे शिक्षा सेवा चयन, ये देख लीजिए कुछ तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से लड़के गए थे, वहाँ हंगामा काटा था। एक बात बताइए कि 1.5 साल हो गए तब से जो क्लर्क भर्ती अब तक कंप्लीट नहीं हो पाई, कब तक कंप्लीट होगी सर, इसका जवाब दीजिए लिखित रूप में जो है। इसीलिए जो है अपने उत्तर प्रदेश में बहुत कम सीटें आई सरकार की, यहाँ पर जो उसी को देखें यहाँ पर लड़के आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से यहाँ पे गए थे, तो यहाँ पे हंगामा काटा। उन्होंने कहा कि जो काम शुरू हो जाएगा अध्यक्ष मोदी जी की नियुक्ति होते यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा, है ना। टीजीडी पीजीडी का एग्जाम लगभग मान के चलिएगा सितंबर तक आपको जो है वो डेट आ जाएगी, ठीक है, और यानी सितंबर एग्जाम करा लिया है, डेट जो आपको जून के लास्ट में डेट घोषित हो जाएगी, और इसके बाद क्लर्क भर्ती भी काम शुरू हो, इसी महीने के लास्ट में काम शुरू हो जाएगा, भर्ती पूरी हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो है कि बहुत इसमें जो नाराजगी चल रही थी मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए बहुत जल्द से जल्द जो है वो काम शुरू की। और यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो संविदा कर्मी को जो है अब नियमित कर्मी के बराबर वेतन दिया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो संविदा कर्मी जो यहाँ पर लगे थे और उसमें जो आदेश भी यहाँ पे कर दिए गए, यहाँ पर नियमित कर्मचारी के बराबर यहाँ वेतन देने के लिए आदेश कर दिया गया। यहाँ पर देख लीजिए नवल किशोर जी को यहाँ पर जो ये बताया गया कि बहुत जल्द जो कर्मचारी इसमें होंगे और इसमें जो संविदा कर्मी यहाँ पर जो हंगामे काट रहे हैं इनको जो नियमित कर्मी के बराबर वेतन समान काम समान वेतन के लिए यहाँ पर जो किया जाए। बात करें यहाँ पे खाली पदों को लेकर, तो मुख्यमंत्री जी ने भी नाजर की नाराजगी जताई गई है। उन्होंने कहा कि जो गर्मी परीक्षा होंगी नहीं और यहाँ पर जो है ये जितनी परीक्षा होंगी तो बहुत जल्द कराई जाएंगी, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कमर कस ली है और जितने भी अधिकारी लोग हैं उनसे बोल दिया गया जल्द से जल्द इसमें जो है एग्जाम कराया, जितनी भर्तियाँ अटकी पड़ी हैं मैं बता रहा हूँ और भर्तियाँ शुरू होने जा रही हैं। यहाँ पर जो इसके अंदर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया इसमें जो है ये मैंने आपसे कितनी बार कहा कि भाई एक बात बताइएगा यहाँ पे यार मल्टीटास्किंग इसका एमटीएस के पदों पर वैकेंसी चल रही है 13 जून 2024 की लास्ट डेट है, पर आप भरना चाहते नहीं, यहाँ पर जो है ये वही आता है सरकारी सरकारी चक्कर में ये भी निकल जाएगी, जो खुतरा है ना ये भी चला जाएगा, कहने मतलब कहावत है नहीं है, नहीं ना इधर के रहे ना उधर के रहे, भाई एक बात बताइए सैलरी यहाँ पर 17,494 रुपये सैलरी यहाँ पर दी जा रही है, ठीक है, तो कम है ये क्या, एक बात बताइए यहाँ पर जो है 17,494 रुपये सैलरी देगी एमटीएस के पदों पर वैकेंसी यहाँ पर चल रही है, तो फॉर्म भर दीजिएगा साइट वगैरह पर। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो ये नीचे आएंगे यहाँ पर जो है ये ऑफिशियल जो साइड ये दर की यहाँ पर जाके ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं, पर बात वही है कि नहीं हमें तो 50,000 वाली नौकरी करनी है 10,000 की करनी नहीं है, तो भैया मत करो, मैं तो मेरा काम के बताने का है। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है 13 जून 2024 की लास्ट डेट बताई गई है, यहाँ पर इसके अंदर फॉर्म भर दीजिएगा, और यहाँ पर भी देख लीजिए एमटीएस के पदों पर वैकेंसी यहाँ पर ICA कंपनी का नाम है यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो है ये लिमिटेड कंपनी है इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया की तरफ से यहाँ पर जो वैकेंसी चल रही है, तो भाई ये वाला फॉर्म भर दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो है ये। और आज फिर जो है लेटर जो मुख्यमंत्री जी सभी अध्यक्ष मोदी जी को भेज दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो बताया गया इसमें जो है ये जितनी भी अध्यक्ष मोदी जी हैं सबको लेटर भेज दिया गया है कि जल्द से जल्द जितनी भर्तियाँ इंटर कॉलेज के अंदर जितनी भर्ती फंसी पड़ी है और शिक्षा विभाग के अंदर जितनी भर्ती है उनको जल्द से पूरा किया, हर डिपार्टमेंट के अंदर भर्तियाँ जो हैं उसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, नहीं तो इसके अंदर जो है अन्यथा बहुत आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो लड़के बहुत नाराजगी चल रही है, यहाँ पर जो है साथ में विधानसभा के इलेक्शन भी बताए गए हैं। और भाई देखो आप सभी से यहाँ पर निवेदन है कि भाई आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक वैकेंसी थंबनेल में सबसे ऊपर दे रखी है यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से 1.23 लाख पदों पर यहाँ भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द इसमें निकलने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल के लिए प्लस। थैंक यू वेरी मच।